नालासोपारा तुलिंज पुलिस की अपराध शाखा टीम ने एक ऐसे सातिर नौकर को गिरफ्तार किया है जिसने अपने एक नाबालिग मित्र के साथ मिलकर मोरेगांव स्थित पीलाजी पाटिल अपार्टमेंट में रहने वाली 51 वर्षीय सुनीति रीडर नामक महिला के घर उसके कमरे में रखी अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनाकर 4,77,000 के गहने चुराए थे। वहीं पुलिस ने जब इस मामले में उनके नौकर उत्तम ज्ञानेश्वर खंदारे से पूछताछ शुरू की तो वो पुलिस को असंतोषजनक जवाब देते हुए घुमाता रहा। इतना ही नहीं, उसने पुलिस की जांच की रुख बदलने के लिए फिनाइल तक पी लिया। वहीं पुलिस ने बारीकी से इस मामले में तकनीकी जांच की और पता चला कि चोरी के दिन उत्तम अपने एक नाबालिग मित्र के संपर्क में था। वहीं जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया तो उन्होंने पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए सारी हकीकत बयां कर दी। वहीं तुलिंज पुलिस ने उनके पास से 151.52 ग्राम सोने के गहने, 10 ग्राम वजन के चांदी के गहने, ऐसे कुल 4,58,000 का माल बरामद किया है। वहीं इस मामले में तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नागरकर ने जानकारी दी। 28 तारीख को तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ। इसकी जो कंप्लेनेंट जो महिला है उनका नाम है सुनीति विस्पी रीडर। वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे मोरेगांव एरिया में रहती है। उन्होंने कंप्लेन दिया कि किसी ने उनके घर में फोर्सफुली मतलब घरफोड़ी करके घर में प्रवेश करके उनके घर में से मोबाइल फोन और करीबन 4 से 5 लाख रुपए के गहने चोरी करके लेके गया है। पुलिस ने उस केस का सीरियसली इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो पहले तो हमने उनके पारिवारिक स्थिति का अंदाजा लिया तो उनके घर में एक लड़का पिछले कई सालों से घर काम करने के लिए सर्वेंट करके रखा था उन्होंने। तो हमने उसको इंट्रोगेशन के लिए बुलाया तो वो कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा था पुलिस के क्वेश्चन का। और उसके बाद जब थोड़ी देर के लिए उसको पुलिस ने छोड़ा तो उसने जाके फिनिल पी लिया और सुसाइड करने का कोशिश किया तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। तो उस दौरान पुलिस ने उसका मोबाइल का रिकॉर्ड देखा तो वो एक व्यक्ति से घटना के बाद लगातार कांटेक्ट में था। तो उस व्यक्ति को यहाँ पे लाया गया और ये जब हॉस्पिटल में डिस्चार्ज किया हो गया तो दोनों को कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने घरफोड़ी की है और घर चोरी का सब गहना और जो मोबाइल फोन उन्होंने चोरी करा था वो सब उन्होंने एक पहाड़ पर मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं ऐसी जगह पे पहाड़ पर एक पत्थर के नीचे उन्होंने छुपा के रखा था। वो सब पुलिस को उन्होंने निकाल के दिया। चोरी गया हुआ लगभग पूरा सामान पुलिस ने जब्त किया है और एक अच्छा डिटेक्शन पुलिस ने किया है। सर, आरोपी कुछ बैकग्राउंड है? आरोपी कुछ नहीं, वो जब 6 साल का है ना, 6 साल का था तब से उनके घर में रहता है और अभी उसकी उम्र कम से कम 21 साल का है। दो आरोपी है। आपको बता दें कि उत्तम लगभग 12 से 15 सालों से सुनीति के घर का नौकर का काम कर रहा था। अगर इतने सालों बाद भी नौकर का ईमान सोने चांदी के चमक में डगमगाने लगे तो लोग किस पर भरोसा करेंगे। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।